नमस्कार, आप देख रहे रितम और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने वाले वीरों को याद किया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले महान लोगों को श्रद्धांजलि। गांधी जी के नेतृत्व में इस आंदोलन ने भारत को औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने में प्रमुख भूमिका निभाई। आज भारत एक स्वर में कह रहा है, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, राजवंश भारत छोड़ो, तुष्टिकरण भारत छोड़ो। पीएम मोदी ने परोक्ष रूप से विपक्ष पर भी निशाना साधा है। त्रिपुरा के जरिए रोहिंग्या मुसलमानों के एंट्री पर रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री माणिक सहा ने पुलिस को सख्त कदम उठाने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि रोहिंग्या त्रिपुरा के जरिए प्रवेश करके दूसरे राज्य में जा रहे हैं, जिसे रोकना बेहद जरूरी है। सीएम सहा ने कहा कि अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के अलावा राज्य के पुलिस स्टेशनों को भी एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस किया जाए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस के बीच संचार बढ़ाए जाने की जरूरत है। इसके अलावा ड्रग माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर भी सहा ने जोर दिया और कहा कि इस तरह भांग और गांजे की खेती करने वालों को ट्रेस करके उन पर रोक लगाई जा सकेगी। चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में आगे बढ़ रहा है। चंद्रयान 3 चांद के और करीब पहुंच गया है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने बताया कि अगर चंद्रयान 3 के सेंसर और दोनों इंजन काम करना बंद भी कर देंगे, फिर भी विक्रम लैंडर 23 अगस्त को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्षम होगा, बशर्ते प्रोपल्शन सिस्टम अच्छी तरह से काम करे। एक कार्यक्रम में एस सोमनाथ ने कहा कि विक्रम लैंडर का पूरा डिजाइन इस तरह से बनाया गया है कि यह विफलताओं को संभालने में सक्षम होगा। 17 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद के 100 किलोमीटर के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। उसी दिन प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इसके बाद 18 से 20 अगस्त तक लैंडर मॉड्यूल अपनी स्पीड कम करेगा और डी ऑर्बिटिंग करने का प्रयास करेगा। अगर चंद्रयान 3 इन सभी स्तर को पार करता है तो 23 अगस्त को शाम 5:45 पर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। गुजरात में रविवार को स्थानीय निकाय की 30 सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 21 सीटों पर जीत दर्ज की है। गुजरात में लोकल बॉडी की सीटों के उपचुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी है। 18 नगर पालिकाओं के 29 और एक नगर निगम की एक सीट के उपचुनाव कराए गए थे। इनमें बीजेपी को 30 सीटों में से 21 सीटों पर जीत हासिल की है। कांग्रेस को इन चुनावों में 8 सीटों पर जीत हासिल हुई है, जबकि आम आदमी पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाई। चुनाव नतीजों के अनुसार एक सीट निर्दलीय उम्मीदवार को मिली है। गुजरात में इन 30 सीटों के लिए 6 अगस्त को वोट डाले गए थे। भारत ने तीसरे T20 मैच में वेस्टइंडीज को हरा दिया है। भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराया। हार्दिक पांडे की अगुवाई वाली भारतीय टीम के सामने जीत के लिए 160 रनों का लक्ष्य था। टीम इंडिया ने 17.5 ओवर में 3 विकेट पर 164 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम किया। इस तरह 5 T20 मैचों की सीरीज 2-1 पर आ गई है। टीम इंडिया की जीत के हीरो सूर्य कुमार यादव रहे। सूर्य कुमार यादव ने 44 गेंदों पर 83 रनों की पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 10 चौके और 4 छक्के जड़े। इसके अलावा तिलक वर्मा ने 37 गेंदों पर 49 रनों का योगदान दिया।